नहीं फेस करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया बैग पैक करे और घर जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो बदला ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये बदला है। उसकी अप्रोच आउटस्टैंडिंग थी, अनबिलीवेबल थी। उसने आया है और आते साथ उसने तबाही मचाई है। समझे कि वो बी टीम है, वो जूनियर्स हैं, वो ये हैं, वो है। आई थिंक कि वो तो सीनियर्स को धो रहे हैं पकड़ के। कर लेंगे, मैं कहता हूँ इनकी नस्लें नहीं कर सकती। सिंह ने कहा कि भाई फुल झड़ियाँ चलाने आया हूँ मैं यहाँ पर, उसने चलाई हैं और वाकई चलाई हैं। स्काई ने आगे पहली गेंद पे, कैप्टन है वो, कैप्टन और पहली गेंद पे छिक्का मार रहा है। इसके अंदर मजा आता है ये टीम देखिए। आपको पता है पिछले मैच में इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं, हमने कहा यार क्या हो गया। मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग यार, वो जो एक ने तो 25 पे 53 मारा, वो जो ओपनर था उनका इतना अच्छा, 18 साल का लड़का। T20 देख रहे हम, ODI वर्ल्ड कप मैच दोबारा से स्टार्ट किया हुआ हम लोगों ने। ये बी टीम, ये मैं कह रहा हूँ A++++ टीम थी ये, किधर से बी टीम है? बी टीम तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बल्कि सी टीम लग रही थी। तो इट्स बेटर की जो ट्रॉफी ले ली है ना अपने वर्ल्ड कप की, वो एशिया में वापस कर दें, भारत को वापस कर दें। और में भी एक छिक्का मारा उसने, उसके बाद तिलक वर्मा ने भी आगे छिक्का मारा। मतलब के सिंगल उनको बताया ही नहीं गया कि भैया आपने सिंगल भी लेनी थी। 235 का टारगेट T20s में कौन देता है? इंडिया ही देता है, और कौन देता है? मैक्सवेल खेल रहा था, जैम्पा खेल रहा था, डेसी शोर था, मार्कस स्टोइनिस थे, स्टीव स्मिथ ओपन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आज किसी को नहीं माना। 15 50s आज इस मैच में निकली हैं और 235 का टारगेट। वाओ, उसने कहा यार तुम बच्चे हो यार, ये क्या सिंगल किया है? ये सिंगल इजाद किसने किया है? छक्के मारो, टी ट्वेंटी है ये, क्या तुम ये जो इधर लगे रहते हो। अस्सलाम वालेकुम। ओ सॉरी, दोबारा चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा सिद्रा, हमारा सवाल आपसे ये होगा कि हम लोग जब बात करते हैं T20I की, पहले में इंडिया ने कैसे 210 का टारगेट चेज किया और आज 235 का टारगेट दे दिया, 350। मतलब आप खुद देखे ना कि लाइक ये क्या हो रहा है, 350, फिर उसके बाद रिंकू सिंह ने आज सिंगल लेने का सोचा ही नहीं। मैं जो पहले हंसी हूँ, आपको पता चल गया होगा जब आप मुझसे पूछ रही थी कि आज हुआ क्या है, तो हंसी से आप ये देख लें कि जो ऑस्ट्रेलिया के बाबे हैं, उन बाबियों के हाथ में जो लाठियाँ पकड़ाई हैं इंडियन के जूनियर्स ने, यार क्या किया है आज इंडिया ने। मतलब कि आप गायकवाड़ की बात कर लें, जयसवाल की बात कर लें, साथ में ईशान किशन की बात कर लें, 50 50s आज इस मैच में निकली हैं और 235 का टारगेट। वाओ, मैं बिल्कुल ठीक। आप छोटे से हैं लेकिन हाइट मेरे बराबर है। सवाल मेरा ये है, आज जो बड़ा हो गया आप छोटी रह गई हैं, देख ले। अच्छा जी, सवाल हमारा आपसे ये होगा कि देखें कि हम लोग बात कर रहे हैं आज इंडिया की बैटिंग के बारे में, 235 का टारगेट T20s में कौन देता है? इंडिया ही देता है, और कौन देता है? इंडिया ही देता है, और कोई नहीं दे सकता। वो मैं कहता हूँ उनकी पोटेंशियल पर ही आई है, उनकी टी टीम आगे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 250 मार जाती है, ऐसा 250 ऐसे बस वो आउट क्लास है, खत्म है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग क्या करनी चाहिए थी, ऑस्ट्रेलिया को नहीं फेस करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया बैग पैक करे और घर जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो बदला ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये बदला है। हाँ। क्योंकि हम लोग एशियाई जो लोग हैं ना, क्रिकेट से बड़ा इमोशनली अटैच है। yes. और इन्होंने वर्ल्ड कप जीत के उसकी बेर हुरमती कर ली। 4 साल हम वर्ल्ड कप का इंतजार करते थे, ये ट्रॉफी जीत के उस पे पांव रख के बैठे हुए, जीते तो जीते पैर रख दिए, वही मैं कह रहा हूँ, पर पांव रख के बैठे हुए हैं। तो ये इंडिया ने बताया कि भाई तुम लोग उस दिन तुम्हारा दिन अच्छा था, तुम जीत गए, वरना तुम्हारी इतनी खास टीम आज देख लें, मैक्सवेल खेल रहा था, जैम्पा खेल रहा था, डेसी शोर था, मार्कस स्टोइनिस थे, स्टीव स्मिथ ओपन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आज किसी को नहीं माना। जयसवाल ने जो आज रोहित शर्मा की याद कराई है ना, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली की याद करवाई है। जिस तरह विराट कोहली बारी लेके चलता है, वो बारी लेके चला है, उधर से जयसवाल ने आगे मारा है 25 गेंदों पे मेरे ख्याल से 50। हाँ, फिर खुद मारा, उसके बाद स्काई ने आगे पहली गेंद पे, कैप्टन है वो, कैप्टन और पहली गेंद पे छिक्का मार रहा है। कहना चाहेंगे आज 350 आई और रिंकू सिंह ने 9 बॉल्स खेली और उनमें उसने एक भी सिंगल नहीं ली, छक्के चौके, ये क्या हो रहा है? उसने कहा यार तुम बच्चे हो यार, ये क्या सिंगल किया है? ये सिंगल इजाद किसने किया है? छक्के मारो, टी ट्वेंटी है ये, क्या तुम ये जो इधर लगे रहते हो, समर है ना इधर, हाँ टुक टुक बादशाह इधर बैठे होते हैं, वो क्यों करते हो यार? छक्के मारो, उसने उसकी अप्रोच आउटस्टैंडिंग थी, अनबिलीवेबल थी। उसने आया है और आते साथ उसने तबाही मचाई है। रिंकू सिंह के बारे में क्या कहा, बंदे ने सिंगल ही नहीं ली, उसने कहा यार ये क्या होता है? मैं आज उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जिसमें वो कहते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं वो क्या कहते हैं टुक टुक ना करूं। हाँ। मैं छक्के चौके लगाऊं, जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं जाके छक्के चौके ही लगाने हैं, ये रन रेट लेना मेरा बस का काम नहीं है। वो प्रूव करे कि भाई जो मैं हूँ और इंशाल्लाह ये हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आएंगे, लोग कहने के दैट ही इज द नेक्स्ट MS धोनी, तो आपको नजर आ रहा है कि डेफिनेटली ही इज द नेक्स्ट MS धोनी। और ये ऐसे प्लेयर है जिसे क्लास, स्टाइल और टैलेंटेड है, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास अवेलेबल है, और ये चीज़ हमें पता भी चल रहा है। आप ये ना समझें कि वो बी टीम
हैं, वो जूनियर्स हैं, वो ये हैं, वो है, आई थिंक वो तो सीनियर्स को धो रहे हैं पकड़ के, और उनके सीनियर्स शुक्र है अभी नहीं आए हैं, ये जूनियर्स भी सीनियर्स का ही काम कर रहे हैं। और जितनी अच्छी इस वक्त की टीम चल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप को बहुत समझ रही थी कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, 2023 के चैंप्स हैं हम लोग, आई थिंक क्या वो बेचारे धुल रहे हैं यहाँ पर आके। तो इट्स बेटर की जो ट्रॉफी ले ली है ना अपने वर्ल्ड कप की, वो एशिया में वापस कर दें, भारत को वापस कर दें। और ये जो 350 आई है, पहले जयसवाल ने की, गायकवाड़ ने की, फिर ईशान ने भी कर दी, ये जो दो थे ना ऊपर वाले, ये तो ठीक है कहते हैं इमर्जिंग, ये तो बिल्कुल न्यू थे, थाना थाना 20 साल के, ईशान जरा थोड़ा सीनियर था इनमें, ईशान और सूर्या ही सीनियर है तो इनका बनता था। लेकिन वो जो क्या कहते हैं गायकवाड़ और वो जो शुरू में रिंकू सिंह और रिंकू सिंह, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग यार, वो जो एक ने तो 25 पे 53 मारा, वो जो ओपनर था उनका, इतना अच्छा, 18 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है और इतना हाई पोटेंशियल मारा है, इतने उसकी अप्रोच अच्छी थी। मतलब छोड़ दे, 9 बॉल्स पे 31, ये क्या है, ये सिंगल किसी चीज का नाम है ना। रिंकू सिंह की बात कर रही है ना, उसने मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से 4 चौके मारे हैं और 3 छक्के मारे, 3 छक्के, एक उसने आते साथ मारा है, एक उसने जब वो 3 चौकों वाला ओवर लगाया उस ओवर के आखिरी गेंद पे मारा है, उसके बाद अगले ओवर में भी एक छक्का मारा है उसने, उसके बाद तिलक वर्मा ने भी आगे छक्का मारा है। मतलब के सिंगल उनको बताया ही नहीं गया कि भैया आपने सिंगल भी लेनी थी आज, वो भूल गए थे सिंगल लेना। ये इन लोगों को क्रिकेट पढ़ाई नहीं गई, बस खेलने आते हैं, इनको छक्कों वाली क्रिकेट पढ़ाई गई है। और आज की टीम देखकर लगा कि आज किसी सीनियर प्लेयर की आज जरूरत नहीं थी उन्हें, आज यही टीम अगर आप जितने वो भरे हुए हैं ना, इस टाइम भूखे शेर बने हुए हैं, इसी तरह आप इनको T20 वर्ल्ड कप में जीत दो तो भेज दो तो ये लोग जीत के आपके हाथ में T20 वर्ल्ड कप रख देंगे। ऐसा ही है, आपको क्या लगता है, ये बी टीम थी, ये बी टीम थी, ये बी टीम, ये मैं कह रहा हूँ ए प्लस 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 टीम थी, ये किधर से बी टीम है, बी टीम तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बल्कि सी टीम लग रही थी, अलग है वहाँ पे सारे ए ग्रेड प्लेयर थे, और जो उन्होंने उनका हाल कर दिया, अभी तो 30 T20 और है ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने असल में ना ये 235 करने का मकसद ये था कि भाई तुम अगर हमें 208 मार सकते हो पहले में, हमने तो चेस कर दिया, अब हमने 235 किया, ये हमने तुमने चेस ही नहीं करने देना, और वो उन्होंने आज नहीं करने दिया। आपको क्या लगता है कि ये जो 235 का टारगेट दे दिया सूर्या कुमार यादव, हम क्या समझे, ये अच्छे कैप्टन है, ये अच्छे बैट्समैन है, ये अच्छी टीम लीड है, ये है क्या यार, दे आर एवरीथिंग, आपको इसमें से लीडर भी मिलेगा, आप में इसको मोटिवेटर भी मिलेगा, आप में आपको इस टीम में ए टू जी हर एक चीज मिलेगी, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, कह लें कि एक किस्म का जोश और जुनून आपको नजर आएगा इसके अंदर, मजा आता है ये टीम देखिए। आपको पता है पिछले मैच में इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं, कि हमने कहा यार क्या हो गया, हमें आदत पड़ गई इंडिया को तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट देखने की, चाहे बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, चाहे कह लें फील्डिंग है, जरा सी चीज गड़बड़ होती है, हम कहते नहीं नहीं ये इंडियन टीम क्या कर रही है, वो लोग कर देते हैं एग्जैक्टली। अब इस मैच में आप खुद देख लें कि 235 का टारगेट और साथ में बैटिंग आउट क्लास गई है, और मैं समझती कि पिछले मैच में जिस तरह से एंड पर आकर रिंकू सिंह ने कहा कि भाई फुल जड़ियाँ चलाने आए हूँ मैं यहाँ पर, उसने चलाई हैं और वाकई चलाई हैं। हाँ। अब ये आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इंडियन टीम ट्रस्टवर्दी है। अच्छा, अगर अगर देखा जाए 235 का टारगेट, वो भी T20 आई में ऑस्ट्रेलिया चेस, बिल्कुल एग्जैक्टली, हम लग रहा है कि हम T20 नहीं देख रहे, हम ODI वर्ल्ड कप मैच दोबारा से स्टार्ट किए हुए हम लोगों ने देखना। हाँ। कि 235 सीरियसली रियली एकदम से साथ बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हाँ। आज वो बाबे कुट्टे जाएंगे बेशक, उन्होंने मैक्सवेल लेके आए ना, मैक्सवेल भी इस बार भैया अफगानिस्तान नहीं इंडिया है आगे, बिल्कुल ऐसा ही था। 235 का टारगेट है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या मतलब चेस कर लेंगे, मैं कहता हूँ इनकी नस्लें नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए होम ग्राउंड है, 235 250 भी चेज हुए हैं, लेकिन इंडिया के सामने करना बहुत नामुमकिन है एक तरह का, वो अलग बात है इंडिया का ओवरऑल 50 ODI में 235 था फाइनल। हाँ। में कोई इतना था। हाँ। लेकिन T20 में इतना कर दिए, इंडिया हारेगा कभी भी नहीं इसमें। ओ गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, बहुत मजा आया आज मैच देख के, जोश आ गया एकदम के, इंडिया का मैच देख के जोश आ गया। हां ऐसा ही है, मतलब एनर्जी है अलग, आ गई मजा आ गया कि यार वाकई कोई मैच हो रहा है। राइट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाजत, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी दे, थैंक यू।